दिल्ली के द्वारका सेक्टर 22 में बनने जा रहे हज हाउस का पुरजोर विरोध करने के लिए कई हजार लोगों का समूह उमड़ पड़ा। वहीं आदेश गुप्ता ने कहा कि हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं, यह जमीन हज के लिए एक्वायर नहीं की गई। किसानों को 13 रुपए गज के हिसाब से जमीन ली गई, तब नहीं बताया कि यह हज के लिए। हमने सरकारी तंत्र का विरोध कई बार किया और आज भी करते हैं। आदेश गुप्ता का साफ कहना है कि हमने शीला दीक्षित को यहाँ बनाने नहीं दिया जब सेंटर में कांग्रेस थी और दिल्ली में शीला की सरकार, आज तो क्या कभी नहीं बनने देंगे। हज हाउस बकबोट के पास हजारों एकड़ भूमि है, वहाँ क्यों नहीं बनाते हज हाउस? यहाँ हम हिंदुओं के सर पर क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, दिल्ली देहात की वजह से आज दिल्ली इतना बड़ा विकसित शहर बना है। आज जो भी विकास दिल्ली के अंदर हुआ वो दिल्ली देहात के लोगों की वजह से हुआ, उनकी इच्छा की कीमत पर या वहाँ की जनभावनाओं की कीमत पर। अगर कांग्रेस सरकार ने कोई निर्णय लिया और केजरीवाल सरकार उसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है तो ये सरासर गलत है। जो पंचायत ने 360 साहब पंचायत ने यहाँ के गांव वालों ने जो ये संघर्ष का बिगुल छेड़ा है, मैं उसके साथ हूँ और अंतिम दम तक साथ हूँ। महिला शक्ति की तरफ से सबसे यही पीछे से यही आवाज आ रही है कि हर हाउस यही बनेगा, जमीन है हर समाज के काम आए, वही काम करो, हॉस्पिटल बनाओ, उसमें चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो और चाहे हिंदू आए, लेकिन एक के लिए ये जमीन और नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये हज हाउस जैसे आप सब जानते हैं कि ये एक पूर्णकालिक कार्यक्रम नहीं है जो कि साल में एक बार होता है, और साल भर में अगर कोई एक बार कार्यक्रम होता है तो उसके लिए इतना सब पैसे का जो है व्यर्थ डालना वो मुझे कहीं कहीं सही नहीं लगता है। इसमें कोई जन कल्याण की जो है सुविधाएं बननी चाहिए, और खुद इनकी पार्टी के लोग जो हैं खुद इसके फेवर में नहीं है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्थगित किया जाए।